हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस और दिस इज शीशान आनंदम। और इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं क्लास टेंथ का जो चैप्टर है हिस्ट्री का, द राइस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, तो हमने चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है और स्टार्ट करने में हमने इंट्रोडक्शन कवर किया हुआ है इसका, टर्म्स को क्लियर किए हैं और कैरेक्टर्स को क्लियर किए हैं, आपको पता ही होगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेक करें और आप उसे एक बार देखें। और इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं आपके, क्या कवर करेंगे हम, डेट। यस, डेट कवर करेंगे क्योंकि कैरेक्टर्स और टर्म्स हमने क्लियर कर दिया है। और इस पार्ट में हम ये डेट को आपको कवर करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसको देखेंगे। ओके, पार्ट थ्री है और देखते हैं क्या क्या डेट्स हैं। चैप्टर है द राइस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास टेन का है, हिस्ट्री है, पार्ट थ्री कवर कर रहे हैं। और इससे पहले हमने कवर किया है आपके कैरेक्टर को, टर्म्स को और डेट को। जैसे कि मैं बताया हूँ कि जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको तीन चीज़ें फोकस करना है। तीन चीज़ें अगर आप कर लेते हो, हिस्ट्री का सेंस ही यही होता है कि कैरेक्टर, टर्म्स और डेट्स को आप क्लियर करते हो, तीन चीज़ें यहाँ आपके। किसी किसी चैप्टर में दो चीज़ें ना मिले, मे बी, लेकिन मिलते हैं अप्रॉक्स आपके। डेट्स लेकिन कंपलसरी रहता है, डेट्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो जैसे कि चैप्टर है आपके, कैरेक्टर है, टर्म्स और डेट्स को अगर साइड कर लें तो हमें जो चैप्टर है, हाफ ऑफ चैप्टर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसके, जो कह सकते हो चैप्टर का आपको इंट्रो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और लास्ट में जो होता है वो स्टोरी होता है, हिस्ट्री में स्टोरी को अच्छे से कंक्लूड कर लें टॉपिक वाइज, हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, तो यही चीज़ है। अगर आप इफेक्टिव करना चाहते हो हिस्ट्री को तो आप हमेशा तीन चीज़ें फोकस करो। मेरा मोटिव है कि आप तीन चीज़ें फोकस करो, और तीन चीज़ें फोकस करोगे तो आपके जो हिस्ट्री है इजी हो जाएंगे पढ़ने में आपके, और कुछ नहीं, लर्निंग में आपके स्टडी करने में बहुत इजी हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, इंपॉर्टेंट डेट्स लिखे हैं। और भी कुछ, जितना मैंने डेट लिखा है इससे और भी डेट्स होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको माइंड में रहना बहुत ज़रूरी है, आपको रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठता ही उठता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठेगा, अगर हल्का सा भी आपको डेट याद है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से कराओगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट डेट्स है आपको मैं एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ, और इसको और अच्छे से तब समझ में आएगा जब आप एक तरह से जब चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, तब हमें बहुत इफेक्टिवली इसके समझ में आएगा कि हाँ इस दिन ये इवेंट हुआ था इसलिए डेट हमको याद रखना है। लेकिन तभी मे भी आपको हाफ ऑफ चैप्टर भी समझ में आ जाए। जिन्होंने हल्का सा चैप्टर को रीड कर लिया है उन्हें जो यहाँ मैंने लिखा ये सब टर्म वो नया नहीं लगेगा, वो थोड़ा सा उनके माइंड में सेटअप होने लगेगा। ओके, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। पहले देखो 1789 में क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, ये तो पता ही होगा तुम्हें, नाइन्थ क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हम लोग को डेट हल्का याद नहीं है। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड हुआ। फिर 1797 में देखो क्या हो, नेपोलियन इन्वेड्स इटली, क्या किया वो इटली पे चढ़ाई किया 1797, सिंपली याद रखो 1797 क्या हुआ, नेपोलियन इटली पे चढ़ाई किया था, इन्वेडेस इटली। ओके, और फिर 1804 में इंट्रोड्यूस सिविल कोड, सिविल कोड और नेपोलियन कोड दोनों से हमें कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, और इसको एक तरह से नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था, इतना माइंड में रखो, जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। ओके, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। और 1804 में क्या गया था, नेपोलियन कोड को इंट्रोड्यूस किया गया था। और 1815 में बैटर ऑफ वाटरलू प्लस आपके ट्रीटी ऑफ वीना साइंड हुआ था, बैटर ऑफ वाटरलू प्लस ट्रीटी ऑफ वीना साइंड हुआ था कब, 1815, माइंड में सेटअप रखना। ओके, और फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है 1821 और 29, इसमें क्या होता है, ग्रीक वार इंडिपेंडेंस, यानी 1821 और 29 के बीच में आपके क्या होता है, ग्रीक वार इंडिपेंडेंस हुआ था। ओके, याद रखना। फिर 1830 में इकोनॉमिक हार्डशिप हुआ था, इकोनॉमिक हार्डशिप कब हुआ था, तो 1830 में इकोनॉमिक हार्डशिप हुआ था। ओके, फिर 1832 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल साइंड हुआ था, याद रखना ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, ये भी पढ़ेंगे, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से सब समझ में आएगा, सब क्लियर हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा तुम माइंड में हल्का हल्का वर्ड रख लो, तुम्हारे लिए कोई नया ना रहे जब चैप्टर पढ़ो तो। ओके, फिर 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल साइन हुआ था। फिर आता है नेक्स्ट 1859 से लेकर 1870 के बीच में यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ था, याद रखना है 1859 और 1870 के बीच में यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ था। फिर आते हैं 1866 और 1871 के बीच में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था इन डेटों में। फिर आता है आपका ये 1834 में क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ जॉलवेरिन इन जर्मनी, जॉलवेरिन जो था वो जर्मनी में फॉर्म हुआ था, ये क्या था कि तुम्हारा कस्टम यूनियन था जो फॉर्म हुआ था 1834 में। ओके, इसको भी स्टडी करेंगे हम लोग अच्छे से। फिर नेक्स्ट आते हैं 1871 में क्या होता है, हाई टेंशन इन बालकन सीरिया, जो बालकन सीरिया था उसमें हाई टेंशन होता कब, 1871 और आपके जो लास्ट डेट है 1848 में डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल असेंबली इन फ्रांस, यानी फ्रांस में नेशनल असेंबली 1848 में हुआ था। देखो डेट इतना ही है, अच्छे से एक बार इसको, अगर लेक्चर देख रहे हो मेरा तो इसके साथ साथ एक बार बोलते रहो, या जो पेन है पेपर है उस पर एक बार लिख लो अच्छे से, और एक बार इसको अच्छे से रिकॉल करोगे थोड़ा सा माइंड में सेटअप हो जाएगा, नथिंग।
और जब चैप्टर स्टडी करेंगे तब तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, इसलिए पैनिक लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैंने एक इंट्रोड्यूस करा दिया, ये सब डेट्स हैं जो आपको थोड़े से माइंड में रखना है, ओके। और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और अच्छा लगा हो मे बी आपको। चैप्टर बहुत ईजी करके ले चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर ईजी चल रहा है, कैरेक्टर टर्म्स और डेट्स हैं आपके, ये सब ईजी करने का मेरा मोटिव ये है कि जो चैप्टर है अब बच्चा हमारा अगर यहाँ कंप्लीट कर दें, ये कंप्लीट हो गया तो यानी हम बच्चे का स्टोरी बचेगा, बस स्टोरी। तो अब स्टोरी टॉपिक वाइज ये हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टॉपिक्स वाइज चलेंगे, तो हमारा जो टॉपिक से कंप्लीट हो जाएंगे, और जो कैरेक्टर टर्म्स ये हमने पहले ही स्टडी कर लिया, तो जो चैप्टर बहुत ईजी होता है ये वे यूज़ करने का। और मेरा एक तरह से आपका सजेशन भी है कि आप अगर इस तरह हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो अच्छे से, तो तीन चीज़ें आप इंक्लूड करो अपने स्टडी में, जिससे क्या होगा हिस्ट्री बहुत ईजी होगा, ओके। आई होप आपको समझ में आया हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी क्या करो बोलो, सजेस्ट करो कि नहीं चैनल को क्या करें, और भी अपने दोस्तों को फ्रेंड से शेयर करें, अपने जो बेस्ट फ्रेंड है उनको भी शेयर करें, बताएं कि इंपॉर्टेंट डेट्स ये हैं आपके नेशनलिज्म इन यूरोप में, आपका इंपॉर्टेंट डेट्स ये हैं, ये सब हमें अच्छे से करना है। और उनको भी बताओ कि हिस्ट्री पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है, वे अलग है, और ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हमें मार्क्स भी आएगा, मार्क्स और नॉलेज सब कुछ बहुत अच्छा आएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर को स्टार्ट करते के लिए। थैंक यू एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स, ओके।